हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधाकर सिंह और आप लोग देख रहे हैं टेलीकॉम चैनल एसके अटैक हिंदी। दोस्तों यहां पे एयरटेल की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार ऑफर आ गया है आप लोग के लिए। जी हां दोस्तों, आपको बिल्कुल 28 डेज 28 दिनों के लिए 3GB पर डे डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड SMS फ्री में दिया जा रहा है। दोस्तों इसके लिए क्या है कंडीशन वो बताऊंगा। साथ ही दोस्तों आज है 17 मार्च 2020, तो आज दोस्तों यहां पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पे जियो के तरफ से 1 अप्रैल के बाद से 1GB डेटा का प्राइस क्या हो सकते हैं ये भी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना और एक छोटा सा हेल्प करना। दोस्तों आप लोग किस कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहे हो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग दोस्तों प्लीज से लिख देना, ताकि दोस्तों आपके कमेंट से मुझे कुछ मोटिवेट हो सकूं। मैं मोटिवेशन मुझे मिलता है आपके कमेंट से, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि यदि आप लोग फ्री रिचार्ज या फिर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, UPI एप्लीकेशन का लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। इस एप्लीकेशन का नाम दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे एक इनवाइट पे दोस्तों आपको जो है 100 रुपए तक मिलते हैं, ठीक है। आप जाके इस एप्लीकेशन को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहां पे एयरटेल की तरफ से ये 3GB पर डे फ्री ऑफर क्यों कर रहा है। दोस्तों यहां पे एयरटेल का दो प्लान है, एक 298 रुपए का और एक 398 रुपए का। ये दोनों प्लान दोस्तों आपको, एक 298 रुपए के प्लान में आपको ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है पूरे 28 दिनों के लिए, 100 SMS मिलते हैं, ठीक है। इस प्लान में आपको दोस्तों 2GB डेटा पर डे मिलते हैं 28 दिनों के लिए, और वहीं पे दोस्तों 398 के प्लान में आपको 3GB पर डे डेटा पूरे 28 दिनों के लिए मिलते हैं, 84GB डेटा, और यहाँ पे आपको ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग है और SMS है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो है रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, ये दोनों मोबाइल यदि आप लोग परचेज किए हैं या कर रहे हैं और फर्स्ट बार यहाँ पे एयरटेल का सिम यहाँ पे लगाते हैं, दोस्तों आपको 10 बार यदि आप रिचार्ज करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे डबल डेटा ऑफर मिलेगा। 2GB का प्लान में, 298 के प्लान में आपको 2GB की जगह 4GB मिलेंगे, और साथ में 398 की जगह दोस्तों आपको 3GB की जगह हर दिन आपको 6GB मिलेंगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त अपडेट था। साथ ही दोस्तों आज 17 मार्च है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च को लास्ट रखा था यहाँ पे अपना AGR ड्यूज क्लियर करने को, ठीक है। वहीं पे दोस्तों डॉट और ट्राई, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साथ में दोस्तों नीति आयोग भी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के सहयोग में खड़े हो गए थे, और इनके लिए दोस्तों यहाँ पे जो है रिलीफ पैकेज भी फंडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की ओर से ट्राई, डॉट और नीति आयोग ने बोला था कि वो अपना सेल्फ असेसमेंट निकाल के जो भी AGR ड्यूज बन रहा है वो 17 मार्च तक क्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से खुद से कैलकुलेशन के बाद जो भी इनका AGR ड्यूज निकला था 21,000 करोड़ के अप्रोक्स, तो ये जो पेमेंट है ये यहाँ पे वोडाफोन आइडिया करने वाले हैं या फिर कर दिए हैं, थोड़ा बहुत बाकी है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 17 मार्च को था कि 53,000 करोड़, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार की तरफ से डेटा निकला था 53,000 करोड़ का, वो पे करने वाले थे। तो दोस्तों वहीं पे, तो यहाँ पे नीति आयोग ट्राई और डॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने अपना काम कर दिया है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से क्या लास्ट फैसला आएगा आज के डेट में यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के ऊपर, तो वो जो है आज ही पता चलेगा। तो आज जो भी अपडेट आएगा दोस्तों मैं वो आपको आज के रात के वीडियो में जरूर से अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे सरकार जो है ट्राई, डॉट जितनी भी संस्थाने हैं सभी टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जियो की तरफ से कि 1 अप्रैल से फ्लोर प्राइसिंग आने के बाद क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से पहले ही दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे दो प्लान अपना पेश करके सभी यूजर्स को बता दिए कि अब क्या यहाँ पे 1 अप्रैल के बाद से यहाँ पे प्राइस कितना हाइक हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो प्लान पेश किए थे वोडाफोन आइडिया ने, 218 रुपए का, 248 रुपए का। 218 रुपए के पैकेज में आपको पूरे 28 दिनों के लिए ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS मिल रहे थे, लेकिन डेटा मात्र 6GB मिल रहे थे। वहीं पे 248 का प्लान में भी आपको ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रहे थे, लेकिन डेटा मात्र 8GB मिल रहे थे पूरे 28 दिनों के लिए। तो कुछ इस प्रकार से ही सारे ऑपरेटर्स जो है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो, सभी ऑपरेटर्स कुछ इस प्रकार से ही प्लान ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों टेलीकॉम मार्केट में देखा गया है कि एक ऑपरेटर जो भी प्लान लाते हैं उसी के अकॉर्डिंग अदर ऑपरेटर भी अपना प्लान सेट करते हैं। तो देखते हैं 1 अप्रैल के बाद से ये जो प्राइस हाइक है वो कितना बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटरनेट का 1GB का प्राइस, तो जियो के अकॉर्डिंग 1GB का प्राइस 1 अप्रैल से रखना था 15 रुपए, वहीं पे दोस्तों वोडाफोन आइडिया के अकॉर्डिंग 1GB का प्राइस रखना था 35 रुपए। तो अब देखते हैं दोस्तों ये सभी जो है कितने कैलकुलेशन करने के बाद कितने इनके जो है डेटा का प्राइस निकलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे वाईफाई डब्बा नाम का एक
कंपनी है जो कि आपको 1 GB जो है मात्र 1 रुपए में दे रही है। बेंगलुरु, चेन्नई और बहुत सारे सर्कल में ये अपना सर्विस स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में कितना प्राइस होते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर से नोटिफाई कर दूंगा। इसके लिए आप लोग मेरे घंटी को प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब के बगल में आएगा, ठीक है। तो पहले सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को प्रेस कर लेना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।